बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से बनाया रावण का 20 फीट लंबा पुतला। उत्साह से करेंगे रावण दहन। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। विजयदशमी के मौके पर हापुड़ के मोहल्ला कन्हैयापुरे में रावण दहन का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम से किया जा रहा है। इस मौके पर हापुड़ के कन्हैयापुरे में रहने वाले बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से 20 फीट के रावण के पुतले का निर्माण किया है। बच्चों को इसे तैयार करने में 1.5 माह का समय लगा है। आज विजयदशमी के मौके पर इस पुतले का दहन रात करीब 8 बजे किया जाएगा। मोहल्ले में रहने वाले बच्चों ने बताया कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से इस रावण के पुतले के लिए पैसे एकत्रित किए, इसके बाद पुतले का निर्माण कराया। विजयदशमी के मौके पर धूमधाम से रावण दहन किया जाएगा। बच्चों ने बताया कि वह 3 से 4 वर्षों से ऐसे ही रावण दहन के लिए पुतले का निर्माण करते आ रहे हैं और पुतले के निर्माण की तैयारी विजयदशमी से कई दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। गंगा, क्या नाम है आपका? पीयूष। कौन सी जगह है ये? हापुड़ है जी, कन्हैयापुर हापुड़ में। अच्छा, आप लोगों ने जो गली में रावण बनाया, रावण का पुतला बनाया है, कितने फीट लंबाई है इसकी? ये 20 फुट की लंबाई है इसकी और इसमें हमारी लागत लगी कम से कम, इसमें 5000 रुपये हमारे लग चुके हैं। और हमारी ये जो ये बच्चे हैं, इनके बच्चों के सहयोग से और पूरी टीम के सहयोग से जितने भी बच्चे हैं हमारे, सभी उन्होंने तैयार करा है। इनके साथ में मिलकर हमने ये रावण हमने 20 फुट का बना के खड़ा कर। कितने दिन का वक्त लगा इसमें? इसमें हमें कम से कम 1.5 महीने का वक्त लगा है। 1.5 महीने पहले तैयारी की है। अच्छा, आतिशबाजी के लिए क्या व्यवस्था है? इसमें आतिशबाजी के लिए इसमें बम हमने लगाए नहीं है, कम से कम बस इसमें हमने घास फूस वगैरह लगाई है और बाकी हम इसे ऐसे ही जलाएंगे बिना बम के, क्योंकि ऐसा अगर बम लगाते हैं तो किसी को हानि ना पहुँचे। पूरे मोहल्ले से आते हैं लोग देखने के लिए? हाँ जी, पूरे मोहल्ले से आते हैं। कितने साल से आप बनाए? इसमें हम कम से कम 3 साल से रावण बना रहे हैं, हमारा ये 3रा रावण है। किस समय दहन करेंगे? हम इसका रात को 8 से 9 बजे के बीच में कर देंगे।